This channel is for education purpose, and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. so actually, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिनवेस्ट में तो चलिए सबसे पहले हम 21 अक्टूबर 2020 की कॉल्स का रिव्यू कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको YouTube चैनल पर प्रोवाइड की थी दो कॉल्स कल जो की थी ग्रेसिंग और पॉलीप्लेक्स की तो आपने देखा होगा उसमें जो ग्रेसिम है उसका हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड का एस हिट हो गया था क्योंकि वो एंड में आया था काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने के बाद आया था और उसने क्या हुआ एक पॉइंट से हमारा एस हिट हो गया अब एक पॉइंट से हो चाहे किससे पॉइंट से हो टारगेट रह गया बच्चे का बट एस हिट हो गया था बाकी में तो हमारा टारगेट अचीव रहा ये दोनों स्टॉक जो थे ये मैंने आपको दिया था टेली टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा तो इसमें भी हमारा अच्छा रिजल्ट रहा बस हमारा जो है ग्रेसिम का ऐसा लिट हो गया था शॉर्ट सेलिंग साइड का बाकी हमारा रिजल्ट अच्छा रहा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए अगर आप छोटे शेयर प्राइस चाहिए आप इतने बड़े शेयर प्राइस में ट्रेड नहीं कर सकते स्टॉक्स जिनके शेयर प्राइस छोटे होते हैं वो आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा बाकी की डिटेल्स में आपको वहाँ सेंड कर दूँगा तो ट्वेंटी अक्टूबर टू के लिए जो पहला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा ये स्टॉक भाग रहा है आजकल उम्मीद है कल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा तो बाय करेंगे आप जब लेवल ब्रेकआउट होगा वन जीरो थ्री एट का, का स्टॉप लॉस रहेगा आपका वन जीरो टू एट का और टारगेट रहेगा वन जीरो फोर थ्री वन जीरो फाइव फाइव और वन जीरो सिक्स जीरो का देखिए मैं हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रखने का मेरा कारण क्या है कि अगर स्टॉक गैप अप ओपन हो रिकवर होने के बाद दोबारा से आपको टारगेट अचीव होने के लिए मिले या फिर गैप डाउन ओपन हो और इतने तक ये पहुँचे इसलिए मैं छोटा टारगेट प्राइस रखता हूँ अगर स्टॉक गैप अप ओपन होगा तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे टेन ई एम का जैसे मान लीजिए फोर वन जीरो फ़ोर जीरो पर यह ओपन होता है हमारे बाइंग प्राइस है वन जीरो थ्री एट की तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे इस जो शेयर की प्राइस है वो नीचे आ जाए वन जीरो थ्री एट से लेकर वन जीरो टू फाइव के बीच में कहीं पे और वो होल्ड ले होल्ड कैसे लेगा जैसे आप कर्सर देख रहे हैं अप एंड डाउन करेगा उसके बाद दोबारा से बाई साइड का लेवल ब्रेकआउट करता है तो आप उसे बाय कर सकते हैं ये कंडीशन है गैप अप ओपन होने के बाद बाय के लिए शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है और दूसरी कंडीशन हमारी होती है गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए उस समय बाई के लिए कोई कंडीशन नहीं होती गैप अप ओपन होने पर बाई के लिए कंडीशन और गैप डाउन ओपन होने के लिए शॉर्ट सेलिंग के लिए कंडीशन बाकी कोई कंडीशन नहीं तो आ, आपको आप मेरे को लगता है समझ आ गया होगा कैसे आपको परफॉर्म करना है अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी जीरो वन जीरो टू फाइव अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको बाय का लेवल ब्रेकआउट होगा लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा वन जीरो .10 थ्री एट पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे यानी कि इस वैल्यू से जब बढ़ जाएगी वैल्यू तब आप इसे बाय कर लेंगे और शॉर्ट सेलिंग की साइड लेवल ब्रेकआउट होगा वन जीरो टू फोर पॉइंट नाइन नाइन यानी कि वन जीरो सॉरी वन जीरो टू फोर पॉइंट नाइन जीरो यानी कि वन 10... जीरो टू फाइव से नीचे जब आने लगेगी इसकी वैल्यू तब आप इसे बाय शॉर्ट सेल करेंगे एग्जैक्ट सेम फिगर पे आप इसे बाय या शॉर्ट सेल नहीं करेंगे वैसे ही स्टॉप लॉस भी आप हिट तब मानेंगे जब बाय साइड का एस एल हट मानेंगे जब वन जीरो टू एट से ऊपर जाने लगेगी वैल्यू और शॉर्ट सेलिंग साइड का वन जीरो थ्री फाइव सॉरी वन जीरो टू एट से नीचे जाने लगेगी वैल्यू तब आप अपना एस एल हिट मानेंगे बाय साइड में और वन जीरो थ्री फोर थ्री फाइव से ऊपर जाने लगेगी वैल्यू वैल्यू तब आप इसे अपना एसेलिट मानेंगे शॉर्ट सेलिंग साइड में टारगेट रहेगा वन जीरो टू जीरो का वन जीरो वन ज़ीरो और वन थाउजेंड का तो ध्यान रखेंगे बाकी अगर पहली बार में आपका लिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं अगर पहली बार में कॉल ऐसे हिट नहीं होता है टारगेट अचीव हो जाता है तो दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे क्योंकि देखिए कभी कभार तो ऐसा था दो दो बार हमारे टारगेट अचीव हो जाते हैं कंटिन्यूसली बट ऐसा होता है कि कभी कभार एक बार टारगेट अचीव होने के बाद दोबारा से कॉल जब एक्टिवेट होती है तो उत, उतना वॉल्यूम उसमें नहीं रह पाता तो इसलिए यह चीज़ है कि पहली बार में टारगेट अचीव हो जाएगा दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन ज़रूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में मैं वहाँ पे ही कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ तो शॉर्ट uh, सेलिंग का लेवल आपका रहेगा सॉरी बाय का लेवल आपका इसका रहेगा एट ट्वेंटी फोर का स्टॉपलस रहेगा एट वन नाइन एट टू सेवन का आपका टारगेट रहेगा एट थ्री फाइव और एट फोर टू का सेकेंड और थर्ड टारगेट प्राइस रहेगी एम की शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी एट वन एट की स्टॉप लॉस रहेगा एट टू थ्री का टारगेट प्राइस रहेगा एट वन फाइव एट जीरो एट और एट जीरो टू का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कॉल पुट कर रहे हैं ट्रेड पुट कर रहे हैं हमारी कॉल ले रहे हैं तो आप ट्रेड के सामने ही बैठे हो ऐसा नहीं हो कि आप ऑफिस वर्क में बिजी हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं साथ साथ ऐसे में आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और यहाँ पे भी आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए बाकी की डिटेल मैं आपको व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा अगर आपको छोटे शेयर प्राइस वाले स्टॉक्स चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा उस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलता है आपको अगली वीडियो के साथ